हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में एक दलित लड़का दिलीप सरोज का जितनी जघन्यता से उसकी हत्या की गई, सरेआम पब्लिक में जहां बाजार था, बाजार में लोग आ जा रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों के बीच में उसको जघन्यता से मारा जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि जो मारने वाले जो लोग हैं वो इतने निडर हैं, उनको पता है कि हम इनको मार देंगे इसी भरे बाजार में, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके के शासन व्यवस्था में ऐसे जो जघन्य अपराधियों को शरण मिली हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब से ये टकला ठाकुर योगी का सरकार आई है, योगीनाथ का, सीधे सीधे बाभनो ठाकुरों का बहुत मन बढ़ गया है। तो सीधा इसका कारण है कि 25 साल से 30 साल से सीधा अपर कास्ट का उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था में न होने का ये जो बहुत बड़ा बदला लिया जा रहा है, दलितों पिछड़ों मुसलमानों को मार करके और सीधा जाति देकर के रिपोर्ट लिखी जा रही है। और अभी जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश देखे होंगे, जितेंद्र यादव को श्रीराम गोली मार करके उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है और मोबाइल फोन से बात किया जाता है कि इनका क्या किया जाए, एक और पकड़ा गया। खुलेआम जाति देकर के रिपोर्ट लिखी जा रही है, जाति देकर के थाने में FIR हो रहे हैं और जाति देकर के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। और कितने दिन तक जो है लोग इस पुलिस व्यवस्था में न्याय खोजता रहेगा? और रही बात सवर्णों की, सवर्णों का जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आपसी नेक्सस उनको सरकार सह दे रही है, और आने वाले दिनों में दलित पिछड़े अपने तरीके से लड़ने की कोई ना कोई योजना जरूर बना लेंगे। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि कानून व्यवस्था जब हमारा जान लेने के पीछे पड़ जाए और हमें उसमें न्याय की कोई उम्मीद न नजर आए, तो हमें लगता है कि इस कानून व्यवस्था को ऊपर भी सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने आज उसको रासुका लगा करके जेल में बंद किया गया है, इसी तरीके का फिर एक यूपी में विद्रोह होगा। और इस जातियों के खिलाफ जो अपर कास्ट जातियाँ हैं, बाभनों और ठाकुरों का जो मन बढ़ गया है, जो लगातार दलितों पिछड़ों को सरेआम मार दे रही, कुचल दे रही, इनके खिलाफ हम लोग पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जो भी तरीका होगा हम उसके साथ लड़ेंगे। अब कुछ दिन पहले एक मंत्री हेडगेवार जी ने बोला था कि हम संविधान चेंज करने आए हैं और हम इस संविधान को चेंज करेंगे। भाई, इनकी औकात संविधान चेंज कर लेने, सरकार तो सत्ता में पूरी मेजोरिटी से है। अगर इनको इतनी अगर इनके अंदर ताकत आ गई है, इतना इनका अगर मन बढ़ गया है, इनके अंदर इतना पावर आ गई, तो चेंज करके संविधान दिखाएं ना। अगर इनकी औकात है इस देश का संविधान चेंज करने की, संविधान चेंज करके दिखाएं। इनको दलित पिछड़े जो बहुजन तबका देश का 90% आबादी, इनको इनकी औकात दिखा देगा अगर करके दिखाएं। ये हम सीधा कहना सर, अभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, मात्र राज्यसभा देख रही है कि और 3 स्टेट अगर हमारे कब्जे में आ जाते हैं, हम पूर्ण रूप से लोकसभा में भी और राज्यसभा में पूर्ण रूप से हम संविधान को चेंज कर देंगे। देखिए, संविधान को अगर जिस दिन ठेस पहुंचाएंगे, जिस दिन संविधान को एक बदलने की कोशिश करेंगे, पूरे देश के नक्शे से मिट जाएंगे, ये अलग बात है, पहली बात। दूसरी बात, दलितों पिछड़ों के एक बड़े गिरोह को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके ये लगातार अपने अंदर बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मौर्याओं को, उर्मियों को नान यादव नॉन जाटो करके इन लोगों ने सरकार में आए, आज हर जातियों के पता है कि कुर्मी मारे जा रहे हैं, कुशवाहा मारे जा रहे हैं, यादव मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं। इस सरकार में बचा कौन है? अब जो जातियां जब इनको सपोर्ट में आ रही, हर जातियों को पता है। इसलिए जितनी पिछड़ी जातियाँ हैं इसके कुचक्र को समझ गई हैं और आने वाले दिनों में इनका ठोस जवाब और जो भी तरीका नैतिक अनैतिक के परिभाषा से बाहर निकल कर लोग अपना जवाब देंगे। और जब उनको लगेगा थाने में हमारा रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इसी कानून व्यवस्था में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो न्याय और अन्याय के खिलाफ जो है अपने यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे। हम इस दिन की उम्मीद के साथ जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, दलित समाज के जो नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या विधायक हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और जो दलितों का मर्डर हो रहा है, स्टूडेंट का मर्डर हो रहा है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, उनके अंदर डर है, उनके डर है सत्ता का, कि जिस तरीके से उनको टिकट मिला है, अगर वो इस भाजपा के खिलाफ, अपनी पार्टी के दरिंदगी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे, तो उनको हो सकता है कि अगली बार पार्टी टिकट न दे या फिर चुनाव न लड़ पाए। तो इस डर के वजह से वो एक पिद्दी हैं, एक नुमाइंदे हैं, एक नमूने हैं जो पार्टी में दलित पिछड़े के नाम पर शोभा बढ़ा रहे हैं और उनका कोई औकात नहीं पार्टी के अंदर बोलने का। आपका नाम सर? मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है, मैं यूनाइटेड ओबीसी फोरम जेएनयू का स्टूडेंट हूँ।